नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी समय से कुछ सवाल कंटिन्यू एक जैसे सेम सवाल जो आते रहते हैं। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा सवाल आता है, ठीक है, जो कि सेम वही सवाल रिपीट होता रहता है बार बार। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इराक में ये कौन सी कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी का जैसे कि नाम भेजते हैं, ये कंपनी का पता करके बताइए मुझे, ठीक है। और ऐसे ही किसी नौकरी के बारे में बताइए कि ये नौकरी कैसी है वहाँ पे और ये नौकरी कैसी है। तो दोस्तों, और कुछ सवाल ऐसे आते हैं, अच्छा एजेंट कौन है, कहाँ पे मिलेगा, इस तरह के सवाल आते हैं। और या मेरे लिए पता कर दीजिए कि भाई ये कंपनी है वहाँ पे, कैसी है, क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है, ओरिजिनल है, फेक है, जेन्युइन है, तो है। तो इस तरह के मेरे पास सवाल आते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ एजेंट के बारे में, बताता हूँ आपको एजेंट क्या। दरअसल इराक में बहुत ज़्यादा नौकरी नहीं निकलती, बहुत कम नौकरियां होती हैं इराक में बाहर वालों के लिए। अधिकतर मैंने देखा है यहाँ पे पाकिस्तानी लोग ज़्यादा आते हैं, इंडियन कुछ तौर पे कुछ हैं इंडियन, पर ज़्यादा इंडियन नहीं है यहाँ पे इराक। दरअसल पाकिस्तान के लोग मुझे ज़्यादा दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, खासकर यहाँ बसरा में मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने पाकिस्तानी ज़्यादा देखे हैं। तो हमारे इंडिया में जो है एजेंट जो लोग होते हैं, उनमें मैंने दो कंपनियां देखी हैं अभी जो काफ़ी रिक्रूट करती हैं, सऊदी कंट्री, गल्फ कंट्री, ठीक है, इराक वगैरह के लिए। ये हैं जैसे आर के इंटरनेशनल नाम की कंपनी एक दिल्ली में, और दूसरा एक डायनामिक स्टाफिंग सर्विस नाम की कंपनी, काफ़ी बड़ी है। तो ये दो कंपनियां हैं, इसके अलावा एक दो कंपनियां और हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नाम दूंगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो कि रिक्रूटमेंट करती हैं गल्फ कंट्रीज़ के लिए, इराक के लिए या सऊदी दाएं बाएं के लिए। तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये जेन्युइन कंपनियां हैं। बाकी जेन्युइन कंपनी आपको ढूंढनी, किस तरीके से आप ढूंढोगे, या तो पहले उस कंपनी से कोई गया हो वहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है, तब ठीक है, आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो ये ठीक है आपका। उस बंदे से बातचीत है कि भाई वो आपको रेफरेंस दे कि मैं इस कंपनी से आया था, तुम इसमें कॉन्टेक्ट कर लो। बाकी कोई आपको नया बंदा टकराता है या कोई नई कंपनी बताता है कि भाई वहाँ पे भर्ती निकली उस कंपनी में, तो आपको पूरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। कोई ज़रूरी नहीं कि क्या पता फ्रॉड भी हो भाई, वो तो कुछ कह नहीं सकते किसी नई कंपनी के बारे में, ठीक है। आपको किसी रेफरेंस से कोई सजेस्ट कर रहा है तरीके से ढंग से, और उससे जाते रहते हैं लोग, कोई आपको इस तरीके से बताता है तो ही ठीक है। किसी नए इंसान से आप मिलते हो, कोई नई चीज़ बताता है, तो वो फ्रॉड ही समझ लेना, ज़्यादा पैसे मांगते हैं इस तरह के लोग, ठीक है। और बाकी जैसे कि आप लोग मुझसे पूछते हैं उस कंपनी के पता कर दीजिए, उस कंपनी के बारे में पता कर दीजिए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम बताऊँ क्या है। दरअसल मैं एयरपोर्ट पर काम करता हूँ और एयरपोर्ट पे ही रहता हूँ, एयरपोर्ट की बाउंड्री पे ही हमारा कैंप बना हुआ है और हम लोग यहीं पे रहते हैं। यहाँ से बाहर जाने के लिए ना हमें परमिशन लेनी पड़ती है, यहाँ से कम 30 किलोमीटर के आसपास में बसरा शहर होता है, तो हम रोज़ रोज़ वहाँ आ जा नहीं सकते। हम क्या करते हैं, जब हम घर जाना होता है ना हमको छुट्टियों में, उस समय हम कंपनी से परमिशन लेके और खाली शॉपिंग के लिए एक बार जाते हैं पूरे साल में वहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से मैं वहाँ बाहर कंपनियों का पता नहीं कर सकता, कौन सी कंपनी कैसी है, कौन सी कंपनी क्या है, क्या नहीं है। खाली इंटरनेट पे ही जो जानकारी मिल सकती है वही आपको दे सकता हूँ, और वही जानकारी आप इंटरनेट पे कहीं भी ले सकते हैं, अपने घर बैठे ले सकते हैं ना, ठीक है। तो सबसे अच्छा चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपको अगर कंपनियों के बारे में आपको पता ही करना है, तो आप इंटरनेट पे वो कंपनी ढूंढिए कि वो कहाँ पे है कंपनी, ठीक है। इंटरनेट पे उस कंपनी को ढूंढिए, सर्च कीजिए उसके बारे में, अगर मिलती है तो बहुत अच्छा है। फिर उस कंपनी में आप मेल कीजिए, फ़ोन कीजिए, पता कीजिए उसके बारे में। और अच्छी तरह से ज़्यादा मालूम करने के लिए आप क्या कीजिए, जैसे इंटरनेट पे आपने उस कंपनी को ढूंढा, ठीक है, वो कंपनी मिल गई, मैप में जाइए, गूगल मैप में, गूगल मैप में उस कंपनी को सर्च कीजिए, आप ठीक है वहाँ पहुँच गए। उसके आसपास में कोई छोटी मोटी शॉप को सर्च कीजिए, उस शॉप वाले बंदे से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है, क्या पता वो आपको बता दे उस कंपनी के बारे में। कोई छोटी मोटी शॉप वाला होता है या कोई
ग्रोसरी टाइप की इस तरह की शॉप होती है ना, किसी भी टाइप की आपको कोई शॉप मिल जाए, वहाँ पे कोई भी ऐसा साधन मिल जाए जो उस कंपनी के बारे में बता सके, ठीक है। ज़रूर इस तरीके से मेरे ख्याल से तो मिल सकता है ऐसा बंदा, वो आपको कंपनी की सही जानकारी देगा क्योंकि वो उसके पास में रहता है, उसको सब कुछ मालूम है उसके बारे में, ठीक है। तो पर इसके लिए एक चीज़ आपको करनी होगी, थोड़ी सी अरबिक वर्ड सीखने होंगे ताकि आप उसको मैसेज कर सको, ठीक है। अरबिक में ट्रांसलेट या तो ट्रांसलेट करके आप अरबिक में ट्रांसलेट करके उसको मैसेज कीजिए या मेल कीजिए, तो वो जवाब दे पाएंगे, क्योंकि वो हिंदी तो जानते नहीं ना ठीक से, यहाँ के लोग इंग्लिश भी इतना नहीं जानते हैं, तो आपको अरबिक में ट्रांसलेट करके ना गूगल ट्रांसलेट में आप ट्रांसलेट कर सकते हो और उससे पता कर सकते हो। इस तरीके से आप पता कर सकते हो किसी कंपनी के बारे में और कौन सी कंपनी आ रही है नहीं आ रही है, तो हमें यहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठे पता नहीं चल पाता है, हम नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ कंपनी तक। अब आप सोचिए, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर कोई कंपनी है, अब आपने कहा उस कंपनी के बारे में पता कर दीजिए, मुझे बताइए वहाँ के बारे में, तो अब सोचिए मैं कैसे जाऊँगा। हम साल में एक बार जा पाते हैं, चलो मान लो रोज़ भी जा पाते तो क्या अब मैं 50 किलोमीटर किसी के लिए जाऊंगा और पता करके आऊंगा इसमें कितना खर्चा हुआ, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं कैसे कर पाऊंगा, कोई कैसे कर पाएगा बताओ, तो बड़ा मुश्किल है ये। तो इस तरीके से बार बार ये सवाल करने से कोई बेनिफिट है नहीं, मैं जा नहीं पाऊंगा इतना दूर ना पता कर पाऊंगा, तो आप इंटरनेट पे ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपको ढूंढना पड़ेगा कंपनी के बारे में, ठीक है। तो आज मेरा सबसे बड़ा टॉपिक यही था, आप जो बार बार ये सवाल करते हैं एजेंट के बारे में या फिर नौकरी कैसे होगी, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा तीसरा सवाल और कॉमन आता है मेरे पास, इराक में जो मेडिकल टेस्ट होता है वो एक्सरे के बारे में पूछते हैं, या निमोनिया है या कोई छाती में निशान है इस तरह का बारे में पूछते हैं, तो इसके बारे में भी आपको मैंने एक वीडियो बना के दी हुई है मेडिकल टेस्ट के बारे में, देख लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें मैंने बताया है पहले भी आपको कि जो बसरा है ना, बसरा के अंदर खाली आपका ब्लड टेस्ट होता है, हमारा आज तक यहाँ पे केवल ब्लड टेस्ट ही हुआ है और कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई एक्सरे नहीं हुआ कभी, कोई अल्ट्रासाउंड या कोई कपड़े उतार के कोई जांच इस तरह की कोई जांच नहीं हुई कभी भी। मुझे 4-5 साल करीब होने वाले हैं यहाँ पे, हमेशा हम जब भी जाते हैं ब्लड टेस्ट और टेस्ट के लिए मेडिकल के लिए, खाली हमारा ब्लड लिया जाता है और उसके अंदर जो बीमारियाँ होती होंगी वो लोग वो देखते होंगे, ठीक है। हाँ, एक बंदे का जॉन्डिस, शायद जॉन्डिस निकला था, पता नहीं ऐसा ही कुछ निकला था ब्लड के अंदर, तो उसे यहाँ से वापस जाना पड़ा था, तो अपना ब्लड टेस्ट ही क्लियर करवा के आइए। बाकी शुगर वाले आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शुगर का कोई वो बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। बाकी कोई इन्फेक्शन वाली कोई ऐसी बीमारी होती है एक दूसरे से फैलने वाली, इस तरह की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के लोगों को वो अगर ब्लड में कोई है, जैसे एड्स है या कोई बड़ी कोई बीमारी है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। तो पहले से ही आप अपना इंडिया में ब्लड टेस्ट करवा लें खुद ही, बड़ी बड़ी बीमारियां देख के जो ब्लड में होती हैं तो वो पता कर लीजिए अपनी वो तो कंपनी वाले भी आपको बता देंगे, जिस कंपनी में आपकी भर्ती होने जा रही है वो भी आपको बता देंगे कि भाई यहाँ पे कौन कौन सा ब्लड टेस्ट हमें चाहिए, वो चेक अपने इंडिया से ही करवा के आइए, उसके बाद यहाँ पे आइए, ठीक है। वरना यहाँ आएंगे ब्लड टेस्ट में फेल हो जाएंगे, वापस जाना पड़ेगा, पैसा बर्बाद, समय बर्बाद और जाने क्या क्या बर्बाद होगा आपका, ठीक है। तो यही बताना चाहता था मैं आपको कि यहाँ पे हमारा आज तक एक्सरे तो नहीं हुआ है बसरा के अंदर स्पेशली, बाकी किसी और दूसरे रीजन में जैसे बगदाद, सुलेमानिया, अरबिल या कहीं मोसूल और दूसरी जगहों पे अगर होता हो तो मुझे मालूम नहीं है उतना, बाकी यहाँ मैंने अभी तक देखा यहाँ केवल ब्लड टेस्ट ही हुआ है हमारा, कोई और टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। तो बताइएगा, और कोई सवाल हो तो पूछिएगा, मुझे जानकारी होगी तो मैं उसका जवाब आपको दूंगा, और नहीं होगी तो देने में असमर्थ हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, राम राम, मिलते हैं फिर कभी किसी अगली वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, उससे कोई नॉलेज मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस नॉलेज को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों से, ताकि और लोग भी अवेयर हो सकें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।